खरगोन जिले में खाद की कालाबाजारी और अधिक दाम में बेचे जाने की शिकायत के साथ ही किसानों के ज्वलंत मुद्दों समस्याओं को लेकर गुरुवार को भारतीय किसान संघ के बैनर तले किसानों ने कलेक्ट्रेट परिसर में धरना दिया। संघ पदाधिकारियों ने मांगों की अनदेखी किए जाने पर नाराजगी भी जताई। धरने के बाद शाम 5 बजे जिला सूखाग्रस्त घोषित करने, राहत राशि देने, अनियमित बिजली शेड्यूल को पूर्व की भांति यथावत करने, 2019 की रोकी गई राहत राशि जारी करने जैसी मांगों का ज्ञापन जिला अधिकारी को सौंपकर समस्या के निदान की मांग की गई। संघ जिला अध्यक्ष सदाशिव पाटीदार, दिनेश पाटीदार, श्याम पवार आदि ने बताया कि जिले में अनियमित बारिश के चलते जल स्रोत सूखे हैं, खरीफ फसल नहीं आ पाई, अब पानी की कमी से रबी फसल भी नहीं लगा पा रहे हैं। किसान लंबे समय से जिले को सूखाग्रस्त घोषित कर राहत राशि देने की मांग कर रहे हैं, लेकिन शासन प्रशासन स्तर पर कोई ठोस कार्यवाही नहीं की जा रही है। खरगोन से जयंत गुप्ता की रिपोर्ट। बात में है जो आज 400 रुपए बोरी में यूरिया के पैसे दे के आए हैं, दो दो बोरी के उन्होंने 800 रुपए लिए हैं, और वो चार किसान या कलेक्टर महोदय को आज यहाँ लिख कर देने को भी तैयार है कि मेरे से इतने इतने पैसे लिए हैं, इस दुकान वाले ने लिए हैं, ये प्रमाण के साथ हम आए हैं। क्योंकि प्रशासन कहता है कि भैया बिल दो, तो उसने कच्ची पर्ची दी है। आप चाहो तो मैं कच्ची पर्ची भी आपको बताता हूँ कि कच्ची पर्ची पे दो बोरी लिख दिया है और पूरे पैसे ले लिए, कोई पक्का बिल नहीं दिया जा रहा है और लूटा जा रहा है। तो इसी प्रकार से लूट मची है इस जिले में, लूट मचा रखी है हर क्षेत्र में, हर विभाग में सब कुछ लूट मचा रखी है। पैसे लेते हैं और प्रमाण ला के दो, प्रमाण ला के कौन देगा, किसान ला के दे। अधिकारी सब गूंगे बहरे हैं, सब सोए हैं, उनको कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, वो सब मोटी मोटी तनख्वाह ले रहे हैं, बाकी कोई भी देखने को यहाँ पर तैयार नहीं है इस जिले को। इसीलिए हमको आज यहाँ पर धरने के रूप में यहाँ पर कलेक्टर के अंदर बैठना पड़ा और यहाँ पर बताने आए हैं कि इस प्रकार से लूट मची है, आपको कुछ नहीं दिखाई देता है, न खेत सूखे दिख रहे हैं, न मिर्ची खराब दिख रही है, न यहाँ के तालाब सूखे दिख रहे हैं, कुछ भी नहीं दिख रहा है, और यहाँ पर यूरिया भी की कालाबाजारी हो रही है, वो भी नहीं दिख रहा है। इस प्रकार का अंधा गुंगा और बहरा यहाँ का प्रशासन है, इसको यहाँ पर बताने आया है चेतावनी के रूप में, एक सांकेतिक धरने के रूप में आज चेतावनी आए हैं। यदि ये प्रशासन नहीं मानता है तो आगामी उग्र आंदोलन होगा पूरे जिले के अंदर, गांव गांव से, घर घर से, घर खोपड़ी खोपड़ी से किसान आएगा और हजारों की संख्या में आएगा और इस जिले को पूरे को घेरेगा। किसान साथियों सभी देखिए, अतिवृष्टि के समय का बकाया है 25% दिया था, 75% किसानों का बाकी है, कुछ बीमा बाकी है 2019 का। इस वर्ष पूरा सूखा पड़ा हुआ है, सूखे में तालाब सूखे पड़े हैं, नदी नाले सूखे पड़े हैं, किसानों पर बिजली बिल चल रहे हैं, बिजली का शेड्यूल बदल दिया गया थोड़ा बहुत जो भी है, और प्रशासन की भारी लापरवाही है, यूरिया की कमी है, यूरिया की कालाबाजारी है, और ऐसे अनेक कारण है। हर तहसील से हमारे कार्यकर्ता आए हैं और हर तहसील से बता रहे हैं कि भाई साहब ऐसी ऐसी स्थिति, कृषि विभाग की ये स्थिति है, पशु चिकित्सालय की ये स्थिति है, और हम सूखे की मांग कर रहे हैं, हमारे कुओं में पानी नहीं है, फसल का उत्पादन कुछ नहीं आया। लेकिन प्रतिवर्ष क्रॉप कटिंग होती है, प्रतिवर्ष किसानों को ये पता लगता है कि हमारा उत्पादन कितना हुआ है, वो कुछ भी कार्य नहीं हुआ है, मतलब कुल मिला के किसानों के लिए कोई कार्य नहीं हुआ है। उन मांगों को लेकर आए कि हमारा बकाया दो, हमको बीमा दो, और इस वर्ष सूखा है तो हमारे लिए आज सोसाइटी वाले हमारे से पैसे मांग रहे, बैंक वाले पैसे मांग रहे हैं, कुछ परिवर्तन करवाओ, सोसाइटियों को कुछ आदेश करो, क्या आंदोलन की चेतावनी भी दी है। हाँ, अब इसके ये चरणबद्ध, आप यहाँ चरणबद्ध आंदोलन है और एक दिन यही दाल बाटी बना के खाने वाले हैं, और इसके लिए अभी संकल्प लेंगे सभी किसान भाई, संकल्प लेके अपना ज्ञापन अगर लेते हैं तो ठीक, नहीं तो इस कार्यक्रम को आगे। क्या नाम है आपका? दिनेश पाटिल। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।